और राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इसकी ताजा बानगी दिखाई देती है बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहां एक दुकानदार के साथ करीब 2.5 लाख रुपए की लूटपाट की गई। मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में चाकू के बल पर 3 से 4 युवकों ने व्यापारी के साथ लूटपाट की। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था माना जाता है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात ने उन सुरक्षा दावों की कलई खोल दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश लूटपाट करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुट चुकी है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पर बदमाश अपना हाथ साफ कर गए हैं। इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी है, तो साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर वह सवाल खड़े करते नजर आते हैं। आखिर कैसे दिन दहाड़े राजधानी जैसे इलाकों में भी अगर सुरक्षा व्यवस्था का ये हाल है, तो दूर दराज इलाकों में व्यापारी और आम जनमानस की सुरक्षा की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।